प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये पुष्पा भाव नहीं है, ये झुकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आदित्य एंड तन्वी ब्लॉग। तो आज हम बात करेंगे टाटा पंच के बारे में, कि टाटा पंच क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं भी लेनी चाहिए। चॉइस और डिसीजन तो आपका रहेगा, पैसा आपका है, आपको कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, दैट इज योर चॉइस। तो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। देखिए, मैं इसका ओनर हूँ, मैं चला रहा हूँ गाड़ी, प्योर ओनरशिप रिव्यू है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही बता दूँ आपको। तो कुछ चीज़ें हैं जो सच में एकदम अच्छी नहीं है मेरे समझ से, वो भी बतानी चाहिए, तो वो भी आप लोग को आज बताएंगे। तो आइए हमारे साथ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बार वॉक अराउंड करा देता हूँ आप लोग को, गाड़ी कैसी दिख रही है। गाड़ी तो भैया बड़ा क्लास दिख रही है, बहुत अच्छा लुक है। तो ये देख लीजिए, कलर भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अपनी अपनी चॉइस है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कलर कैसा लग रहा है गाड़ी का। तो व्यूअर्स, हम लोग पीछे बैठे हैं और पीछे से आप देख लीजिए गाड़ी कितना रूमियर है। यहाँ से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा इस तरह का लुक आता है। अब मैं आगे जाके आपको डेस्कटॉप बोनेट कितना दिखता है वो भी आपको ड्राइवर सीट से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरी हाइट है 5'11" में पूरा पीछे आप देखेंगे तो एकदम पूरा प्रॉपर बैठा हुआ हूँ। और ये देख लीजिए, यहाँ पे अभी भी काफ़ी जगह पड़ी हुई है और मैं इसी हिसाब से मेरा ड्राइवर सीट भी एडजस्ट, और मैं काफ़ी पीछे कंफर्टेबली बैठता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो ये सरफेस है वो प्लेन सरफेस है पूरा, बीच में इतना हाइट इन्होंने नहीं दिया हो ताकि जो थर्ड पर्सन बैठेगा वो भी काफ़ी ईजिली आराम से बैठ सकता है। ये है को ड्राइवर साइड, यहाँ पे प्रॉपरली बंदा बैठ सकता है, अच्छी खासी स्पेस है। ये यहाँ पे है, देख लीजिए काफ़ी स्पेस। अब मैं चलता हूँ ड्राइवर सीट पे। तो यहाँ से लोगों के सवाल थे, मैं यहाँ बैठा हूँ, समझ लीजिए यहीं पे मेरा एकदम, यहाँ से मैं देखता हूँ तो पूरा बोनेट, यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ, ऐसा पूरा विजिबल होता है। तो विजिबिलिटी को लेके काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से काफ़ी बड़ा एरिया दिख जाता है, यहाँ से बड़ा एरिया दिख जाता है। गाड़ी बहुत रूमियर है, अच्छी खासी जगह है, तो एक तो ये फीचर हो गया, आपको कंसिडर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसका बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो 5 स्टार रेटिंग है तो आप इसको कंसीडर आपको करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको, इसने 5 स्टार रेटिंग इसको मिला है, तो बहुत अच्छा रेटिंग मिली है, तो इसके लिए सेफ्टी रीजन से भी आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। तीसरी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा, इसको टाटा का भरोसा है, तो गाड़ी ऑफकोर्स ड्यूरेबल है, टाटा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, सर्विस रिलेटेड आपको कोई इश्यू आपको नहीं आने वाले हैं, तो इस वजह से भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं इस, आपको बजट में मैनुअल और ऑटोमेटिक AMT और MT दोनों ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, तो अगर आप प्योर छोड़ दो, इसके ऊपर जितने भी वेरिएंट है सब में आपको AMT का ऑप्शन मिल जाता है, तो भी एक बहुत अच्छा फीचर है, अच्छा चीज़ है जो आप कंसीडर कर सकते हो। चौथी बड़ी बात मैं अगर करूँ तो आपको यहाँ पे माइक्रो SUV भी मिल जाता है एक हैचबैक के प्राइस में। तो अगर आप हैचबैक चलाते हो और अगर आपको शिफ्ट करना है तो आप बिल्कुल इस पे आ सकते हो। छोटे मोटे गड्ढे जो होते हैं, नॉर्मल ब्रेकर है, उस पे गाड़ी आराम से चली जाती है, बारिश के दिनों में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो अगर आप सिटी एरिया में रहते हो या ऐसी एरिया में रहते हो या हिल्स एरिया में रहते हो, तो ऐसी जगह पर ये चीज़ें, जो बड़े टायर है इसका, जो 187 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, वो बड़ा काम आएगा आपको। तो मैं एक बार ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से ये टायर प्रोफाइल है। फिर मैं इंजन की बात करूँ तो पुरवेन इंजन रिकॉर्ड रहा है, रेवोट्रॉन 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन पहले से टाटा में चल रहा है, तो ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो इंजन भी अच्छा है, इस वजह से भी आप कंसीडर कर सकते हो। लुक मैंने आप लोग को बता दिया, तो लुक वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, उस वजह से आप कंसीडर कर सकते हो। तो आपको एक बार मिनी हैरियर लगेगी गाड़ी बाहर से देख के।
बाकी मैं अगर डेस्कटॉप और बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, इन्होंने काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो ये आप देख लीजिए तो काफ़ी अच्छा दिखता है। डी कट में स्टेयरिंग मिल जाता है, ये देख लीजिए आप। और ये स्टेयरिंग जो है यहाँ पे बेस मॉडल से ही आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, ये देख लीजिए आप। तो ये बेस मॉडल से ये फीचर मिल जाते हैं। तो ये पुष्पा भाव नहीं है, ये झुकता है, ठीक है। तो ये आपको एक फीचर मिल जाता है। कंट्रोल्स की बात करूं तो ये जो कंट्रोल्स यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो काफी अच्छा लुक देते हैं, तो ये एक अच्छा बढ़िया फीचर है। अब कुछ रीजन है कि क्यों कंसीडर आपको नहीं करनी चाहिए, चॉइस आपका है। कुछ चीजें हैं, मैं ही नहीं कहूँ कंसीडर नहीं करनी चाहिए, कुछ निगेटिविटी है जो कौन से है वो मैं बताऊंगा आप लोग को। जैसे कि अगर मैं केबिन नॉइज की बात करूँ तो जब गाड़ी चलती है आप स्पीड में होते हो, अगर म्यूजिक आपका नहीं चल रहा है तो आपको फील होगा केबिन में थोड़े इंजन के नॉइज और बाहर के रोड साइड नॉइज जो है वो आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पेस्टिंग या कहीं पे भी कोई चीजें है जो शायद उस तरीके से प्रॉपर नहीं है, जो आप पूरा अंदर से इंसुलेशन होता है अगर आप वो कराना चाहो तो शायद उससे रोड साइड नॉइज जो है वो कम हो जाएगी। तो एक तो ये चीज हो गई कि केबिन नॉइज, दूसरा रोड साइड नॉइज आता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे कुछ इसके पेस्टिंग के इश्यूज होंगे। बाहर से भी जो इन्होंने पेस्टिंग यहाँ पे दिया हुआ, इसका क्वालिटी थोड़ा थोड़ा उसमें आपको गैप फील होगा, तो वो एक चीज है कि जो एक चीज है मुझे थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगी, इसकी वजह से आप इसको कंसिडर करो ना करो आपका ये है, बट वो और एक पॉइंट है। दूसरा है IRVM, तो इसमें बेस मॉडल में डे नाइट IRVM नहीं आते हैं, ये पूरा ही नॉर्मल सा IRVM है चूंकि ये बेस मॉडल है। तो एक और एक भी एक ए भी रीजन है, ठीक है। और एक चीज है, यहाँ पे कोई आमरेस्ट नहीं मिलता है, तो आप देखोगे यहाँ पे दो कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई आमरेस्ट नहीं मिलता है, एक और एक ये रीजन है। आप आफ्टर मार्केट कराओगे बट इतने अच्छे आमरेस्ट मिलते नहीं जो कंपनी फिटेड आते हैं, तो और एक ये पॉइंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बता दूं, इसका जो डोर लॉक है ये बड़ा सेंसिटिव है भैया, ये देखिए ऐसे ये खुल गया, ये भी थोड़ा हाथ लगा खुल गया, तो ये एक थोड़ा सेंसिटिव है कि आपको अगर किसी और पैसेंजर को, जैसे ऑटो डोर सेंसिंग लॉक है इसमें, आप चलती रहिए गाड़ी, आप कहीं साइड में रुकाओ रुकाए और किसी उस साइड के पैसेंजर को उतरना है, आपने धीरे से ये खुल गया दरवाजा हिल गया ये, तो वो एक थोड़ा सेंसिटिव है, ये एक पॉइंट है। तो ये कुछ चीजें थी प्रोस एंड कॉन्स की, और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे, और मैं यहाँ पे जैसे बताया था बेस मॉडल में इन्होंने ORBM पे टर्न इंडिकेटर जरूर दे दिया, LED टर्न इंडिकेटर दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, फेंडर पे नहीं दी, बट यहाँ पे एक डोंगल अगर दे देते तो जिससे कंसोल एक्चुअली बोलते हैं कंसोल दे देते जिससे हम लोग यहाँ पे मैन्युअली एडजस्ट कर पाते तो वो काफी अच्छी चीज होती। वहां पे दिखाइए, तो वहां पे भी नहीं दिया हुआ है। ये पूरा आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये पूरा आपको यहाँ से हाथ से करना होता है, यहाँ से देख लीजिए, ये पूरा यहाँ से आपको करना होता है। इस साइड का तो आप इजीली कर लोगे, बट अगर आपको वो पैसेंजर साइज करना, उस साइड का करना है, लेफ्ट साइड करना है, तो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। म्यूजिक कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, बाकी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें मैं बता चुका हूँ। कुछ चीज़ें मुझे लग रही थी जो आपको शेयर करनी चाहिए, जेन्युइन चीज़ है जो शेयर करनी चाहिए, वो मैंने आपके साथ की, वो मैंने बता दिया है। टायर प्रोफाइल बता दिया है, आई बटन पे बाकी के वीडियोज है हम डाल देंगे, जो हमारा डिटेल रिव्यू है वो देख लीजिए। लेगरूम मैंने बता दिया, एक बार आपको हेडरूम दिखा देता हूँ। हेडरूम बहुत बढ़िया मिल जाता है यार, मेरी हाइट 5'11", उससे भी थोड़ी ज़्यादा है, आप देखिए कंफर्टेबली बैठा हूँ और अभी भी मुझे इतना हेडरूम मिल रहा है। अंदर की अगर क्वालिटी बताऊँ, विजिबिलिटी बताऊँ तो काफ़ी बढ़िया है, गाड़ी का लुक बढ़िया है, एवरेज ठीक ठाक दे रही है, आगे लोग कह रहे हैं बढ़ेगी, तो लेट्स सी, देखते क्या होता है। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया कुछ प्रोस एंड कॉन्स, कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पूरा डिसीजन आपका है। मैं आप लोग को और एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, वो ये है, मैंने लिया है टाटा पंच प्योर रिदम, वैल्यू फॉर मनी कह सकते हो इसको, परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी। अगर आप मेरे से पूछोगे तो एडवेंचर के लिए जाइए, एडवेंचर रिदम, तो उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो आपकी एक बेसिक नीड होती है कार में, सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको बजट का कंसर्न नहीं है तो गो फॉर टॉप मॉडल, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब आपको ऑटोमेटिक वाइपर मिल जाएगा, रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा, आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाएगी, रियर पार्किंग सेंसर कैमरा, रियर सेंसर तो मिल ही जाएगा, रियर कैमरा मिल जाएगा आपको, अच्छा हार्मन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा,
चार स्पीकर मिल जाएंगे, दो ट्विटर मिल जाएंगे, चारों ऑटो डोर मिल जाएंगे, इंजन स्टार्ट स्टॉप उस स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, तो काफी कुछ फीचर मिल जाएगा और उसका एक साइज टायर प्रोफाइल आपको इससे बड़ा मिल जाएगा, अलॉय व्हील मिल जाएगा, तो काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी। हालांकि अगर आप मुझसे पूछते हो, मेरा कहना यह है कि जो टॉप मॉडल है वो थोड़ा सा इनका ओवर प्राइज्ड है, ऐसा मुझे लगता है, काफी लोगों का भी यही मानना है कि ओवर प्राइज्ड है। बट अगर आपको बजट का कंसर्न नहीं है और आपको ये सब भी पसंद आ रही है कार, गो फॉर इट, नो डाउट बढ़िया गाड़ी है। एक दिन का क्वेश्चन था बॉडी रोल के बारे में, तो आपको अगर आप हाईवे पे हो और एक सर्टेन स्पीड 100 प्लस जा रहे हो तो थोड़ा बॉडी रोल ओवर कह सकते हो आप, क्योंकि तो गाड़ी का हाइट है तो उसके हिसाब से टायर साइज बड़ा है, तो हैचबैक में जो उतना बॉडी रोल आपको या सेडान में नहीं फील होगा, इसमें थोड़ा सा आपको फील होगा नो डाउट। वो एक चीज़ और एक क्वेश्चन में आप एड्रेस कर दे रहा हूँ। टॉप मॉडल में एडवेंचर में आपको रिमोट की मिल जाती है, इसमें आपको बड़ा सा नॉर्मल सा की मिलता है, मैं आपको की दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए यहाँ पे तो नॉर्मल की मिलती है, तो एडवेंचर से आपको रिमोट की मिलना चालू हो जाता है, वो एक चीज़ है। काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप टॉप ले रहे हो तो भैया टॉप तो टॉप है, ठीक है, तो चॉइस आपका है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको बजट का कंसर्न नहीं है तो गो फॉर टॉप। बॉडी रोल ओवर का बात मैंने कर दिया, वो मैंने बता दिया है, टायर प्रोफाइल बता दिया है, आई बटन पे बाकी के वीडियोज है हम डाल देंगे, जो हमारा डिटेल रिव्यू है वो देख लीजिए। लेगरूम मैंने बता दिया, एक बार आपको हेडरूम दिखा देता हूँ, हेडरूम बहुत बढ़िया मिल जाता है यार, मेरी हाइट 5'11" उससे भी थोड़ी ज़्यादा है, आप देखिए कंफर्टेबली बैठा हूँ और अभी भी मुझे इतना हेडरूम मिल रहा है। अंदर की अगर क्वालिटी बताओ, विजिबिलिटी बताओ तो काफ़ी बढ़िया है, गाड़ी का लुक बढ़िया है, एवरेज ठीक ठाक दे रही है, आगे लोग कह रहे हैं बढ़ेगी, तो लेट सी देखते क्या होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग आदित्य एंड तन्वी ब्लॉग, स्टे ट्यून विद अस, आगे और लेके आएंगे नए नए वीडियो, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।